गाइस, मैं मयंक और आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ मीठी मीठी के एक चैनल पे जिनके पास ऑलरेडी 61K सब्सक्राइबर्स है और मुझे इंस्टाग्राम और कमेंट बॉक्स में बताया गया था कि इनकी वीडियोस पे आप रिएक्ट कर सकते हो। प्लीज़ करो, मज़ा आएगा आपके साथ देखने में। सो अल्टीमेट टिकटॉक क्वींस, टिकटॉक यार, अगर टिकटॉक ना होता, टिकटॉक बैन हुए ज़माना गुजर गया है, स्टिल लोग टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं। ओके, जून 16 को अपलोडेड है अल्टीमेट टिकटॉक क्रिंस। मेरे ख्याल से शायद एम्ब्रोज रिएक्शन ने भी इस पे रिएक्शन दिया था। सो चलिए देखते हैं, ऑफ कोर्स आपके साथ अंत तक बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो है आवेगा यकिया लगा रहा था, मतलब कहीं ना कहीं समझ में आता है कि कुछ अनफनी सा चीज ट्राई कर रहा था। क्या अनफनी करेक्ट मीनिंग है इसका, अगर कमेंट बॉक्स में बताते चलना, तो चलना नहीं अंत तक बने रहना और लाइक भी कर लेना। आगे देखते हैं। नंबर 1, ये बंदा बहुत ज्यादा फेमस, मैं बता रहा हूँ इंडिया में लिटरली फेमस है। यार तू सादा नहीं बर्दाश्त हो रहा, ऊपर से ऐसा शदीद कब्ज वाला मूव बना रहा है जैसे पूरा जोर लगाने पे भी काम नहीं बन रहा। और मुझे ये बताया, यहाँ पे वन लाइनर नोटिस करो, शादा बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये तो इंतहा हो गई भाई साहब बेइज्जती की। ये यू 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 झूल रहा है, इसका मकसद क्या है? तू वाइब्रेटर पे खड़ा है या गंदी आते हैं? और ये तेरी आंखों में आंसू किस? अबे यार, अगर थोड़ा सा दिमाग, बंदे ने गंदा दिमाग लगाया नहीं, अगर आप थोड़ा सा गंदा दिमाग लगा के सोचो तो ये आपको जो ये वाला जो लाइन है, गंदी आते हैं और ये तेरी आंखों में आंसू, नहीं नहीं बोल रहा है, इसका मकसद क्या है? तू वाइब्रेटर पे खड़ा है या गंदी आते हैं? और ये तेरी आंखों में आंसू किस बात के हैं? क्या तुम्हें तेरी मशूक ने तलाक दे दी है? अब मशूक क्या होता है यार, मत करो मुझसे इतनी मोहब्बत, डर लग रहा है भाई। ये देवदास नहीं बल्कि देव उदास है, बल्कि शदीद देवदास है। ये किसे वाला जोक हो गया यार, वैसे अगर मैं सही बताऊं ना तो ये डायलॉग इस पकोड़े के नाक वाले देवदास को कहना चाहिए था। ये क्या कर रहे, क्या कर रहे हो, क्या करोगे? बस ठीक हो गया, इन्ना लिल्लाह भी पढ़ लो। नहीं, इतने ओखे सुर अगर तुझसे नहीं लगते तो सुरों के तालमेल से पंगे लेने की जरूरत क्या है? बकरे को अगर छुरी फेरे ना तो लास्ट टाइम वो ऐसी आवाज निकालता है। सब सिगरेट का नशा करते हैं, शराब का नशा करते हैं, पाउडर का नशा करते हैं। ये पहला बंदा देखा है जो इट का नशा करता है और खोते जैसा मुंह बना रहा है। साले जाके काम कर ले वरना दिहाड़ी नहीं देगा। मतलब जोक सपाट बस इसके लिए ही मैं बोल रहा हूँ, बट काम कर ले यार, तू रोज काम करने वाला है यार। चल मुझे बस पता करना, ये बंदा इंडियन है या पाकिस्तानी है? अगर इंडियन है तो बेरोजगार हो चुका है, पाकिस्तानी है तो बेरोजगार होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है टिकटॉक भी ज्यादा दिन चलने नहीं वाली पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये बता पहले, तू थोड़ा खूबसूरत है और बनने की कोशिश कर रहा है? आप सो रहे, जोर से बोल, मैं जरा कम सुनता हूँ, जोर से बोल। आप सो रहे। मैं ये तो नहीं जानता कि इसकी गलती क्या थी, पर जिस अंदाज से इसने मनाया है ना, वो अंदाज बहुत कमाल का है। इसी अंदाज पे शायर ने क्या कहा है, उनके मनाने का अंदाज ही कुछ ऐसा था, अब बार बार रूठ जाने को जी चाहता है। आए हाय हाय हाय, आए हाय हाय हाय, साले पाइनएप्पल। पहले कहते थे कि जैसा मुंह वैसी चपेड़, अब ये भी कह सकते हैं जैसे चुंज जैसा मुंह वैसे बाल। मुझे ये बताओ, इन बालों से दीवार में बिल्कुल कंपैरिजन कर चुका था, सीना चीर देते हो। वैसे सबके लिए कहते हैं ना कि कैसा फुर्तीला इंसान है, इसके लिए कहते हैं कैसा नुकीला इंसान है। कैसा नुकीला, साले कुपोषण का शिकार था क्या पहले?
साले मेरे एक से भी ज्यादा पतले हो। टकटक बना रहा है, ये इसने आग लगाई, ये तवे पे बिछाए, ये टकटक किया, ये मसाले डाले, फिर टकटक, फिर मसाले, और ये खा गया। ये एक और पेशेंट आ गया, इसका भी इलाज करते हैं। यार तू पहले ये बता, तू पागल है क्या जान के लगा? क्या ये? नाम पे क्या लगा था? ये डांस हो रहा है या मिर्गी शुर्गी का दौरा पड़ा है तुझे? चुती चुती संग आए तुझे? अबे दबा होए बंद कर रे नु। तोबा तोबा तोबा, साला मूड खराब कर दिया यार। ओ भाई तेरी सेहत पहले ही पूरी पूरी है, ऊपर से इतना जोरदार डांस कर रहा है, जितना तू जोर लगा रहा है ना तेरी सीने में निकल के बाहर आ जाएगी। अबे अबे रुक जा रुक जा। सॉरी भाई भाई बहुत दिन बाद में इतना सा सच्ची बता रहा, एक्टिंग नहीं कर रहा। सॉरी भाई, कोई गया तो नहीं है ना यार, बने रहो। एक बार तो देखना बनता है। और इसको बंद कर रहे नू। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओ भाई तेरी सेहत पहले ही पूरी पूरी है, ऊपर से इतना जोरदार डांस कर रहा है, जितना तू जोर लगा रहा है ना तेरी सीनी निकल के बाहर आ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? वाह, पेशे खिदमत है जंगलों में रहने वाले जिंगल आला हूँ की शादी के मनाजर। पहली शादी देखी है जिसमें नीम के पत्तों के हार और जैतून के पत्तों के वेले करवाई जा रहे हैं। ऐसे मेरा अंदाजा ये इन्होंने दूध पिलाई में 3 खजूरों के दरख्त दिए होंगे। कुछ भी कुछ भी। मौलवी साहब तानू हुण बंदा की कवे, सियाने बयाने बेशरम आदमी हो तुसी, थोड़ा ख्याल करो सर। कैसे पता मौलवी है भाई? दाढ़ी रख लिया तो मौलवी कैसे हो गया यार? कैसे पता मौलवी है? अच्छा ये कुछ लिखा हुआ है इसलिए, वे क्या लिखा हुआ है पता नहीं है। अगर ये रेफरेंस नहीं दे रहा है कि ये मौलवी है तो कैसे पता कि मौलवी है बताएं? पर टोपी पहन के मौज में चवले मारने का क्या मकसद हुआ है भला? ये आपके घर के मसाइल हैं, इसे घर पे रखें। दोस्तों टिकटॉक की यखियां तो नहीं खत्म होगी, बहरहाल वीडियो लंबी हो रही है तो वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके लास्ट में बताना। रिएक्शन अच्छा लगा हो तो यार प्लीज 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 लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, गर्लफ्रेंड वाले व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, नहीं गर्लफ्रेंड का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होता, पर्सनल वाले में भेज दो और फ्रेंड वाले में भेज दो, सब जगह भेज दो। जो इंडिया से मतलब नफरत करते हैं उनको भी भेज दो, शायद देख के उनको अच्छा लगे। भेज दो, बाय।